के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। कड़ी सुरक्षा के बीच जिले के 14 परीक्षा केंद्रों में सकुशल संपन्न हुई सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा। भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा गोरखपुर के इतिहास में पहली बार पूर्वांचल की जनता के लिए निःशुल्क वृहद विशिष्ट चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। रोटरी क्लब गोरखपुर ने किया अंतर्राष्ट्रीय सभा का आयोजन, रोटरी क्लब के अध्यक्षों ने कार्यक्रम का किया तारीफ। जंगा थाना प्रभारी के कार्य से असंतुष्ट भाजपा कार्यकर्ताओं ने की एसएसपी से मुलाकात, एसएसपी ने 2 दिनों में जांच कराकर दिया कार्यवाही का आश्वासन। महानगर समाजवादी पार्टी ग्रामीण क्षेत्र की बैठक हुई संपन्न, पार्टी की मजबूती और वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारी जीत पर दिया गया जोर। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के 1993 इंटरमीडिएट बैच के छात्रों ने मनाया रजत जयंती समारोह, गुरुजनों को किया सम्मानित। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन ने नगर निगम के रानी लक्ष्मी पार्क में बैठक के दौरान किया विरोध प्रदर्शन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी कांग्रेसियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि, कहा पंडित नेहरू के बताए हुए निर्देशों पर चलने के लिए संकल्पित हैं कांग्रेसी। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के रहने वाले धौड़ीराम राम की साइकिल यात्रा पहुंची गोरखपुर, धौड़ीराम साइकिल से ही शहर शहर घूमकर लोगों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई और यातायात के प्रति कर रहे हैं जागरूक। 140 घंटे व्याख्यान देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगे यतीश। और 29वीं डॉक्टर गोपाल जी स्मारक बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि चीफ इंजीनियर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने पुरस्कार वितरण कर प्रतियोगिता का किया समापन।